राहुल वैद्य के हाथ में बिग बॉस 14 की ट्रॉफी देखने के बाद ही शादी का जोड़ा पहनेंगी दिशा परमार। फिनाले से पहले कही ये बात। बिग बॉस 14 का हिस्सा ना होकर भी जिसने खूब सुर्खियां बटोरी हैं, वो है दिशा परमार। राहुल वैद्य के प्रपोजल के बाद दिशा लगातार खबरों में रही है और जल्द ही वो सलमान खान के शो में एंट्री लेने वाली है। दिशा परमार वैलेंटाइंस डे के मौके पर इस शो में नजर आएंगी। मेकर्स ने राहुल वैद्य को सरप्राइज देने के लिए दिशा परमार को इस शो में बुलाने की पूरी प्लानिंग की है। दिशा ने इस शो में जाने से पहले अपनी शादी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। दिशा का कहना है वो राहुल के हाथ में ट्रॉफी देख ले तो उन्हें सुकून मिलेगा और वो उसी के बाद उनसे शादी करेंगी। एक इंटरव्यू में दिशा ने अपने दिल की बात कही है। दिशा का कहना है मैं कामना कर रही हूँ कि राहुल ही बिग बॉस 14 का विनर बने और वो घर ट्रॉफी लेकर आए। इसके बाद हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। शादी के बारे में दिशा ज्यादा कुछ कहने से बची। उनका सिर्फ इतना ही कहना है देखिए जब मैं पूरी तरह से तैयार रहूंगी तो ही मैं इस बारे में बात करूंगी। जब समय आएगा तो मैं इस बारे में बात करूंगी, तब मेरे पास बात करने के लिए ज्यादा चीजें होंगी। हम आपको बता दें दोस्तों कि फैमिली वीक में राहुल वैद्य की मां घर में आई थी और इसी दौरान उन्होंने राहुल और दिशा परमार की शादी पर मुहर भी लगाई थी। राहुल को उम्मीद थी कि दिशा परमार कनेक्शन वीक में उनके लिए आएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। अपने कनेक्शन तोशी सबरी से बात करते हुए राहुल वैद्य ने साफ कहा था कि उन्हें दिशा परमार को ना देखकर थोड़ा दुख तो जरूर हुआ है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? दिशा परमार को बिग बॉस के घर में देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट्स करके जरूर से जरूर लिख बताइएगा। और बिग बॉस से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।